हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपना टॉपिक चल रहा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि जेडब्ल्यू मेंस एडवांस एंड नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे अपन को एक प्लेटफॉर्म दे रखा है, उस प्लेटफॉर्म पे एक बॉय है और उसके हाथ में क्या है, एक अम्ब्रेला है। इनिशियली ये क्या है, रेस्ट कंडीशन में है और जो प्लेटफॉर्म है वो क्या है, फ्री टू रोटेट है, मतलब वो घूम सकता है। फिर अपन को दे रखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है बॉय और प्लेटफॉर्म। बॉय और प्लेटफॉर्म दोनों का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 3 × 10⁻³ kg into मीटर स्क्वायर। अम्ब्रेला का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 2 × 10⁻³ kg into मीटर स्क्वायर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अपन को क्या बोल रहा है, इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट। इनिशियली सिस्टम है वो कैसा है, रेस्ट कंडीशन में है, एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पे एक बॉय है, उसके हाथ में एक अम्ब्रेला है और वो इनिशियली क्या है, रेस्ट कंडीशन में खड़े हैं। आगे देखते हैं, सडनली बॉय स्टार्ट टू ट्विस्ट अम्ब्रेला विद एंगुलर स्पीड 2 rads/s विद रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। सडनली बॉय क्या करता है, जो उसके पास में अम्ब्रेला है उस अम्ब्रेला को ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देता है और उसकी एंगुलर स्पीड अपन को कितनी दे रखी है, 2 rads/s, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में दे रखी है, विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो अम्ब्रेला की अपन को एंगुलर वेलोसिटी मिल रही है, अम्ब्रेला की एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म अपन को कितनी मिल रही है, 2 rads/s। नेक्स्ट क्या है, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म। अब अपन को क्या करनी है, प्लेटफॉर्म की एंगुलर स्पीड को यहाँ पे काउंट करना है कि जो प्लेटफॉर्म है वो कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्या है, अपने पास में एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म फ्री टू रोटेट है और उस प्लेटफॉर्म पे एक बॉय खड़ा है अम्ब्रेला लेके। इनिशियली वो क्या है, रेस्ट कंडीशन में है। सडनली बॉय क्या करता है, अम्ब्रेला को ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो अब अपन को बताना है कि जब वो अम्ब्रेला को ट्विस्ट करता है तो प्लेटफॉर्म की एंगुलर स्पीड क्या होगी। अब यहाँ पे अपन एक कंडीशन देख रहे हैं कि इस पूरी प्रोसेस में अपन बाहर से किसी भी तरह का एक्सटर्नल टॉर्क लगा रहे हैं या फिर फोर्स लगा रहे हैं क्या, नहीं लगा रहे हैं। तो एक्सटर्नल टॉर्क जब नहीं होता है, एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जब जीरो होती है तो उस केस में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। तो इनिशियली यहां पे अपन दो सिचुएशन लेके चलेंगे, एक इनिशियली एक फाइनली। इनिशियली में क्या थी, बॉय सिर्फ प्लेटफॉर्म पे रेस्ट कंडीशन में खड़ा है तो उस टाइम उसकी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, जीरो। तो इनिशियली उसका एंगुलर मोमेंटम अपन को मिलता है जीरो। फाइनल में वो क्या करता है, अम्ब्रेला को ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो अम्ब्रेला को उसने क्या किया, ट्विस्ट करना स्टार्ट किया तो उसके पास में क्या आ गई, ओमेगा आ गया, आई उसके पास में ऑलरेडी है तो उसका क्या बन गया, एक एंगुलर मोमेंटम बन गया। अब अम्ब्रेला का जो एंगुलर मोमेंटम है, प्लेटफॉर्म क्या करेगा, उसके एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल करेगा, तभी तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। कंडीशन यहाँ पे क्या लग रही है, सबसे पहले कि एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू अपन को मिल रही है जीरो। एक्सटर्नल टॉर्क जब जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। अब क्या किया, जैसे ही अम्ब्रेला ट्विस्ट होता है तो अम्ब्रेला का एक एंगुलर मोमेंटम बन गया, तो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, उसके एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल करेगा। एज्यूम कर लेते हैं कि ये बॉय क्या कर रहा है, अम्ब्रेला को घुमा रहा है, तो अम्ब्रेला की अपन एंगुलर स्पीड ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देगा। तो प्लेटफॉर्म इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा से यहां पे घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो यहां पे अपन को प्लेटफॉर्म की स्पीड क्या मिल गई, प्लेटफॉर्म की अपन को एंगुलर स्पीड मिल गई है ओमेगा और यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, माइनस ओमेगा, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है अम्ब्रेला की डायरेक्शन के क्या मिल रही है, अपन को ऑपोजिट मिल रही है। अब यहाँ पे अपन कंडीशन देख रहे हैं, अपन को एंगुलर स्पीड दे रखी है अम्ब्रेला की विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। इसी अगर इक्वेशन को अगर अपन ओपन करके लिखे तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगुलर स्पीड ऑफ अम्ब्रेला माइनस एंगुलर स्पीड ऑफ प्लेटफॉर्म। तो अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अपन जो स्पीड ले रहे हैं अम्ब्रेला की ले रहे हैं, प्लेटफॉर्म की ले रहे हैं, तो किसके रेस्पेक्ट में लेंगे, तो अपन ये जो प्लेटफॉर्म है वो किसके रेस्पेक्ट में घूमेगा, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं ग्राउंड। अब यहाँ पे अपन को वैल्यू क्या गिवन है, अम्ब्रेला की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म अपन को दे रखी है 2, अम्ब्रेला की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये कितना घूम रहा है, तो वो चीज अपन को यहाँ पे क्लियर नहीं है। मान लेते हैं ये चीज यहाँ पे ग्राउंड है, ये एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो अम्ब्रेला है वो कितना घूम रहा है ये अपन को यहाँ पे पता नहीं है। यहाँ पे अपन वापस लिख देते हैं यूजी,
माइनस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना घूम रहा है, तो प्लेटफॉर्म ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा है। यहाँ पे अपन ने लिया प्लेटफॉर्म ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ओमेगा से घूम रहा है, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके एंगुलर मोमेंटम को कैंसिल करेगा, अम्ब्रेला का जो एंगुलर मोमेंटम बन रहा है उसको कैंसिल करेगा प्लेटफॉर्म का ओमेगा। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं माइनस ओमेगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से अपन को इक्वेशन मिल जाएगी कि अम्ब्रेला ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना रोटेट हो रहा है। तो अब यहां से अपन को इक्वेशन क्या मिल रही है, जो अम्ब्रेला है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, उसकी अपन को स्पीड क्या मिलती है, 2 माइनस ओमेगा, जबकि वही अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में तो 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 2 माइनस ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घूम रहा है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं किसी भी तरह का एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे अपन ने 2 कंडीशन ली है, इनिशियली और फाइनल। इनिशियल में सिर्फ प्लेटफॉर्म रेस्ट कंडीशन में था तो उसका एंगुलर मोमेंटम हुआ 0, तो फाइनल में भी अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या करना है, 0 करना है। तो अब यहां पे अपन कंडीशन डिस्कस करते हैं फाइनल में क्या होता है। फाइनल में अपने पास में 2 तरह के एंगुलर मोमेंटम आ जाएंगे, एक तो एंगुलर मोमेंटम कौन बना रहा है, बॉय और प्लेटफॉर्म दोनों ही क्या बनाएंगे, एंगुलर मोमेंटम बनाएंगे। साथ में क्या करेगा, अम्ब्रेला घूम रहा है तो अम्ब्रेला का भी अपन के पास में क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, आई ओमेगा। तो सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं, आई किसका ले रहे हैं, बॉय और प्लेटफॉर्म। तो बॉय और प्लेटफॉर्म का आई अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, ये दे रखा है। ओमेगा क्या लेंगे, अपन प्लेटफॉर्म को पहले कंसीडर कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना घूम रहा है। तो यहाँ पे अपन जो भी मेजरमेंट करें ग्राउंड से कर रहे, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म की अपन ने एंगुलर स्पीड ले ली। फिर अपन देख रहे हैं जो अम्ब्रेला है वो भी क्या बना रहा है, एंगुलर मोमेंटम बना रहा है। तो अम्ब्रेला का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अम्ब्रेला की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू अपन लेंगे यहाँ पे ग्राउंड लेंगे। अब यहाँ पे अपने पास में सारे वैल्यू दे रखी है, इन वैल्यू को अपन लिखते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। बॉय और प्लेटफॉर्म का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है, 3 × 10⁻³। ओमेगा प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अपन ने क्या ली, कि प्लेटफॉर्म ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये अपन को मिलता है माइनस ओमेगा। प्लस अम्ब्रेला का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दे रखा है, 2 × 10⁻³। अम्ब्रेला की अपन को स्पीड कितनी दे रखी है विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो यहाँ पे अपन ने ये काउंट की 2 - ओमेगा। फाइनल अपन को एंगुलर मोमेंटम क्या मिल रहा है, 0, क्योंकि इनिशियली भी क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे अपन के पास में ये इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अपन को ओमेगा की वैल्यू कितनी मिलती है, 0.8 रेडियन पर सेकंड, और ओमेगा की वैल्यू अपन ने किसको कंसीडर किया था, प्लेटफॉर्म की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे अपन को प्लेटफॉर्म की एंगुलर स्पीड मिल गई है, प्लेटफॉर्म की अपन को एंगुलर स्पीड कितनी मिलती है, 0.8 रेडियन पर सेकंड। ये क्या करेगा, ये जो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लेटफॉर्म 0.8 रेडियन पर सेकंड से रोटेट होना स्टार्ट कर देगा। तो जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।